ओके, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. विजिबल है सभी को? ऑल आर एबल टू सी? दिखाई दे रहा है सबको? माय वॉइस इज क्लियर? ओके, ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, दिस इज माय प्रोफाइल. आई एम उदित राज. आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 9-10 ईयर्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सीएससी, एससी गेट एंड पीएसयू अक्रॉस द इंडिया. एंड दीज आर माय एक्सपर्टीज सब्जेक्ट एज माय एमटेक और मास्टर्स इज इन डिजाइन इंजीनियरिंग. Right now I am plus educator on Unacademy plus platform. Okay, so here you all can watch all these free classes, free special classes which are currently provided as crash course on strength of material. ठीक है, तो अभी सबसे पहला अनाउंसमेंट जो है दैट इज कि मैं कल प्लस पर मशीन डिजाइन स्टार्ट कर रहा हूँ. फुल फ्लैंज मशीन डिज़ाइन कल स्टार्ट हो रहा है ऑन दी प्लस. तो ये जो कोर्स होगा ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई को, और डेली इसकी जो क्लास चलेगी वो 1 PM to 3 PM चलेगी. ठीक है, 1 to 3 PM डेली दोपहर में. और गेट एंड ईएससी का कंप्लीट सिलेबस हम लोग इसमें कवर करेंगे. एंड आई विल बी टेकिंग मोर देन 80 आवर्स फॉर दिस. ओके, मोर देन 80 आवर्स, नियरली 90 आवर्स. सो फॉर 85 to 90 आवर्स आर देयर. टोटल कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी देयर इंक्लूडिंग गेट एंड ईएससी. ओके, सो हेयर दिस वॉज द अनाउंसमेंट ऑफ द डे. मशीन डिजाइन अपन लोग कल स्टार्ट करेंगे. सो दोज हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, दे कैन जॉइन दिस कोर्स फ्रॉम टुमारो लाइव. दिस विल बी लाइव ऑन अनअकैडमी. Live on Unacademy daily at 1 PM afternoon. Okay, so 1 to 3 we will be doing machine design. Next, here we are mainly talking about the gate and ESC. Gate and ESC का जो syllabus है वो standard syllabus है. तो जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं full flange, अपना पूरे दिल से जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो लोग subscribe करें as soon as possible. सब्सक्राइब के लिए जब भी आप करें मेरा कोड जरूर यूज़ करें, आपको 10% ऑफ उस पर मिलता है. माई कोड इज़ MR Live. ठीक है, तो ये जो गेट और ESC का सिलेबस है ये बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है. दिस इज वेरी स्टैंडर्ड सिलेबस. तो इसी सिलेबस से बाकी सारे एग्ज़ाम, चाहे वो ISRO हो, DRDO हो, वो सेम सिलेबस है लगभग सारे ही एग्ज़ाम में. चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ या सेंट्रल PSUs की बात करूँ, तो सेम सिलेबस इज ऑलवेज देयर. सिमिलर सिलेबस इज ऑलवेज देयर जितने सारे हैं. UPPSC की प्रिपरेशन आप कोई कर रहे हो, MPPSC कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, सो एवरी वन कैन सी दैट सिलेबस इज इन ऑल दीज एग्जाम्स इज सेम. इसको करने के लिए क्या करना है, आप सभी को Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए. जिसने अब तक नहीं किया है दे आर लूजिंग दी ग्रेट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड जैसे ही करेंगे अपना गोल सेलेक्ट करेंगे आप ऐप में, यहाँ पर कि आपका गोल क्या है. तो गोल में आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर गेट प्लस ESC. ओके, और यहाँ से फिर आप सर्च करेंगे विद द नेम ऑफ फैकल्टी और कोर्स. आप यहाँ पर फैकल्टी का नाम सर्च करें, जैसे मेरा नाम सर्च करेंगे आप, और या फिर जो भी सब्जेक्ट है आप उसके नाम से आप सर्च करेंगे सब्जेक्ट के नाम से. ठीक है, तो मान लो आपने मेरे नाम से सर्च किया मुदित राज, तो मेरे आप प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे. मेरे प्रोफाइल पर पहुंचकर आपको पेड एंड फ्री क्लासेस दिखने लग जाएंगे. पेड एंड फ्री, तो पेड में 75% टाइम दिया जाता है और फ्री में 25% टाइम दिया जाता है. सो ऑब्वियसली पेड में आपका जो सिलेबस है वो स्मूथली रन करता है, टाइमली इसको कंप्लीट करना है. सो ऑलवेज पेड स्टूडेंट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ऑल देयर डाउट्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो हियर
जो एक साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो आप में से स्टूडेंट, तो एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 25,000 है। उस पर आप अगर कोड यूज़ कर रहे हैं मेरा तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो आपकी फ़ी 22,500 होगी। एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए अच्छा है, पास्ड आउट स्टूडेंट के लिए अच्छा है, और वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है। एक साल का सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल जीएस सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे मिलते हैं। प्लस आपको कंप्लीट पैकेज ऑफ मैथमेटिक्स मिलता है, प्लस आपको कंप्लीट पैकेज ऑफ एप्टीट्यूड मिलता है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलती है पूरी की पूरी, पूरी की पूरी इसी में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। और जब आप प्लस पे सब्सक्राइब करा लेंगे तो सारे के सारे नोट्स यू कैन डाउनलोड ऑटोमेटिकली इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। जो सब्सक्राइब किए हुए हैं स्टूडेंट वो सारे लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच ऑल दी लेक्चर्स, कोई लिमिटेशन नहीं है। एनी नंबर ऑफ टाइम एक ही सब्जेक्ट को, एक ही क्लास को आप कितने भी बार देख सकते हो। आप लाइव उसको पढ़ सकते हो, लाइव होने के बाद आप उसी को रिकॉर्डेड फॉर्म में कितने भी बार रिवाइज कर सकते हो, इट्स योर विश। तो आप अपना पूरा टाइम टेबल बना लेते हो। सो मैनी थिंग, वीकली क्विज आपको मिलता है, ठीक है, वीकली क्विज आपको मिलता है। साथ में हर तीसरी या चौथी क्लास जो होती है, जो भी सब्जेक्ट चल रहा हो उसमें डाउट क्लियरिंग क्लास रहती है। कौन सी क्लास रहती है? डाउट क्लियरिंग। तो वट एवर डाउट्स यू विल बी हैविंग, ऑल डाउट्स विल बी क्लियर। जो लोग 2 साल का सब्सक्राइब करेंगे उनको फीस दिखाई देगी 30,000, बट आप कोड यूज़ करेंगे तो 27,000। सो दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम के लिए करें, क्योंकि 2 साल की फ़ीस 27,000 और एक साल की फ़ीस 22,500। सो यू कैन सी ईजीली यू विल हैव बेनिफिट इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर 2 ईयर्स। सो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज़ गुड फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। इन लोगों को 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। हाउएवर अगर फोर्थ ईयर वाले भी 2 ईयर सब्सक्रिप्शन करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक साल तो खुद पढ़ाई करें अपना, ठीक है, एक साल तो अपना खुद पढ़ाई करें, और सेकेंड ईयर में वो अपना सब्सक्रिप्शन पास कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, अपने जूनियर को दे सकते हैं, भाई बंधु जो भी हो आपका उसको आप दे सकते हैं। तो जब भी सब्सक्राइब करें ऑलवेज ट्राई टू सब्सक्राइब फॉर मैक्सिमम टाइम। अपना भला करने के साथ साथ किसी और का भी भला कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको दिख ही रहा है 2 साल का फीस और एक साल के फी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ईयर इज़ दी ऑलवेज बेस्ट टाइम, जो मैंने आपको बताया हुआ है, दिस इज़ दी बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो जब आप अपनी थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं 5th सेमेस्टर से, तो 5th और 6th सेमेस्टर में आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद आप 7th सेमेस्टर में पूरा हमारे गाइडेंस में रहते हैं, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये पूरा 1 सेमेस्टर आप लगा देते हैं। उसके बाद 8th सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। जनवरी से आप ESE प्रीलिम देते हैं, फेब में आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं, जून में ESE आप मेंस देते हैं, बाकी जो भी PSU आएगा इसके बीच में या इसके बाद में वो सारे एग्ज़ाम देते हैं सेम सिलेबस से। तो दिस इज़ ऑल विन विन सिचुएशन फॉर यू ऑल, यू कैन सब्सक्राइब फॉर द मैक्सिमम टाइम। आप देख सकते हैं ये सारे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो चल रहे हैं, कंप्लीट हो गए हैं, एवरी थिंग, मैनी फ्री स्पेशल क्लासेस आर देयर। सो ऑलवेज सब्सक्राइब सब्सक्राइब विद दिस कोड। जब आप मेरे कोड से सब्सक्राइब करते हैं, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या सिविल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप चाहे मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या आप सिविल के स्टूडेंट हैं, आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे मैकेनिकल एंड सिविल। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। व्हेन यू आर सब्सक्राइबिंग विद माय कोड MR LIVE, यू आर गेटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर यू आर मैकेनिकल और सिविल। ECEE का भी कोई हो, वो भी अगर मेरे कोड से सब्सक्राइब करेगा, उसको भी सारे सब्जेक्ट अपने देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए फिर आज की क्लास। आज भी वही हुआ, मैं स्टार्ट करना भूल गया। कोई बात नहीं, यूट्यूब वालों को मिल गया ना आज फिर जस्ट फॉरगेट टू डू स्टार्ट बटन हियर, कोई बात नहीं। सो दिस इज माय नंबर, ऑल यू कैन हैव दिस माय नंबर, दिस इज टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो हियर। जो
इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज के लिए वो ये है कि कल मशीन डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, कल मशीन डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, कल मशीन डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ द डे, कल मशीन डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं फटाफट आज कर लें, कल दोपहर तक कर लें, तो आप मशीन डिज़ाइन को लाइव पढ़ना शुरू कर देंगे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो कल हम लोग मशीन डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग लगभग 90 घंटे के आसपास इसका पूरा मैं लूँगा सिलेबस। ठीक है, तो ये मेनली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है ये सब्जेक्ट सिर्फ। तो अभी सोम जो कंप्लीट कराया है वो सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए है। आप जब भी सब्सक्राइब करेंगे इस कोड के साथ करेंगे, ओके। और गेट और ईएससी का जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी स्टैंडर्ड सिलेबस। तो ये सिलेबस जब आप कवर करते हैं लगभग आपके सारे के सारे पीएसयू, इसरो, डीआरडीओ, बार, सेंट्रल, स्टेट, ये सारे कवर हो जाते हैं इन दिस स्टैंडर्ड सिलेबस। तो सब्सक्राइब करें एज सून एज पॉसिबल और ये कोड यूज़ करें एमआर लाइव। आप उसके लिए लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, यहाँ अपना गोल सेलेक्ट करें, यहाँ आप सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं, फैकल्टी सर्च कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे जाकर पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस सारी आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। डिज़ाइन के अलावा आई विल ट्राई टू टेक नियरली ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो जो मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल वालों के लिए व्हाट हैपेंड यूज कर रहा हूँ। सो हियर मैकेनिकल जो हैं आप में से बच्चे, मैकेनिकल के मैं सारे सब्जेक्ट्स लेता हूँ। आई यूज़ टू टेक ऑल सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के बच्चे ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। पिछले 9-10 साल में मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। ड्यू टू लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 9-10 ईयर्स आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, ओके। जिसमें कि जो डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सोम है, टोम है, मशीन डिज़ाइन है और आपका फ्लूड मैकेनिक्स है इंक्लूडिंग द हाइड्रोलिक मशीनरी। दिस इज़ द माय कोर, माय स्पेशलाइजेशन, ओके। इसके अलावा जो आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के, बाकी सारे जैसे आपका मेटल कटिंग, मैनुफैक्चरिंग और ये सब, ओके। सो ऑल द सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट आई विल यूज टू टीच लाइक एचएमटी एंड थर्मल पोशन और आपका मेजरमेंट मेट्रोलॉजी, ऑल द अदर सब्जेक्ट आई विल यूज टू टीच। देन आई विल स्टार्ट द थर्मल पार्ट, तो थर्मल आई विल टेक, देन आई विल स्टार्ट आरएसी, देन आई विल टेक स्टार्ट आईसी इंजन, ओके, एंड लास्ट पावर प्लांट, ओके। सो लाइक दिस all the subject I will use to take for mechanical. For civil, civil student can do the common subject with me, engineering mechanics, strength of material and the fluid mechanics including machinery. Complete machinery you can get with me, okay? Complete machinery. So, civil वाले भी अगर मेरे कोर्स से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डोंट वरी, आपको आपके सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। बस आप इस कोर्स से सब्सक्राइब करेंगे तो इन तीन सब्जेक्ट सबके साथ आप मेरे साथ रहेंगे, मैकेनिकल वाले भी मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। तो कई सिविल वाले ने भी किया है, किसी को ऐसी कोई परेशानी नहीं, यू आर एबल टू वॉच ऑल योर ब्रांचेस, ठीक है। तो दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू। तो कल हम लोग मशीन डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, इसमें सब लोग लाइव रहिएगा जो लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट की जाए, आज भी स्टार्ट बटन दबाना भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो ये फॉर्म भी फिल कर दीजिए जो लोग YouTube पे देख रहे हैं इसको। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। रेडी हैं सभी? आज लाइट गायब है एक्चुअली, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सर ये YouTube होगा या प्लस लेना पड़ेगा? बेटा YouTube पे नहीं है, YouTube पे मेरे सारे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। YouTube पर नॉट ऑल सब्जेक्ट, YouTube पे सारे सब्जेक्ट थोड़े मिलते हैं। YouTube पर ऑल सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। प्लस पर ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है।
सब्सक्राइब करो। आप YouTube से कब तक पढ़ते रहेंगे? ऐसे YouTube पर 50 लोग 50 तरीके की चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, तो वो रैंडमनेस आपके दिमाग में क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा। रैंडमनेस क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंट्रॉपी बढ़ जाएगी तुम्हारे दिमाग की। एंट्रॉपी मतलब रैंडमनेस, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ समझ नहीं आएगा। सो प्लस इसी के लिए बनाया गया, वहाँ पर कोई वीडियो में परेशानी नहीं रहती है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और YouTube उनके लिए है जिनको थोड़ा बहुत एक आधा कोई कंसेप्ट जानना है, कभी कोई कन्फ्यूज़न है, दैट इज़ गुड फॉर देम, बट इट इज़ नॉट फॉर कंप्लीट कोर्स। इतना बड़ा कोर्स है, आप कैसे उस पर कर सकते हैं YouTube पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपना। बार्स इन पैरेलल एंड सीरीज, बार्स इन पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है, इसको करते हैं आज। बार्स इन पैरेलल एंड सीरीज थर्मल स्ट्रेस में, तो पहले करते हैं बार्स इन सीरीज। बार्स इन सीरीज तो थर्मल स्ट्रेस वाला अपन कल कर चुके हैं, आज हम लोग बार्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो मान लो पहला बार ये, दूसरा बार ये, तीसरा बार ये 3 बार जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं और दोनों साइड फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, बोथ एंड आर फिक्स्ड लाइक दिस, ऐसे फिक्स कर रखा है, ठीक है जी। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड सपोर्ट एंड बोथ आर फिक्स। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, इस पॉइंट को नाम दे दो सी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। अभी मान लीजिए ये आपका बार 1, ये बार 2, ये बार 3 बोल दो। इसका होगा कुछ α1 E1 डायर D1, इसका होगा α2 E2 डायर D2, इसका होगा α3 E3 डायर D3, डिफरेंट मटेरियल। लेंथ होगा इसका L1, इसका होगा L2, इसका होगा L3, ठीक। इन सब का एक साथ हम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो राइज इन टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल दी बार्स, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को कंफर्टेबली? ओके, सो दिस इज वेरी गुड। सो हाँ हर्ष पांडे, 2021 से पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। और 2021 वाला जो है एग्ज़ाम होगा वो भी थोड़ा पोस्टपोन्ड होगा 2-2.5 महीने, जैसी न्यूज़ है। तो हेयर वी आर रेजिंग दी डेल्टा टी टेम्परेचर ऑफ ऑल दीज बार्स। तो होगा क्या भाई साहब, पहले बार में थर्मल एक्सपेंशन होना चाहेगा कितने से, डेल्टा L1 थर्मल होना चाहेगा। फिर दूसरे बार में इलोंगेशन होना चाहेगा कितने से, डेल्टा L2 थर्मल से। तीसरे बार में इलोंगेशन होना चाहेगा कितने से, डेल्टा L3 थर्मल से होना चाहेगा ना। तो टोटल डेल्टा थर्मल कितना हो जाएगा, डेल्टा L होगा L अल्फा डेल्टा टी प्लस एल अल्फा डेल्टा टी प्लस एल अल्फा डेल्टा टी कितना होगा। इसमें डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3, दिस विल बी द टोटल थर्मल एक्सपेंशन जो कि हो सकता था। ये हुआ नहीं है, ये हुआ नहीं है, इतना हो सकता था, इतना हो सकता था, ओके। तो इट वॉज पॉसिबल, इतना तीनों में थर्मल एक्सपेंशन हो सकता था मिला के। तो टोटल थर्मल एक्सपेंशन आपने पता कर लिया कि कितना हो सकता था, लेकिन ये पूरा का पूरा थर्मल एक्सपेंशन रोक दिया गया है क्या? बट दिस इज फुल्ली कॉन्स्टेंट, पूरा रोका कि नहीं बताओ, कॉन्स्टेंट कर दिया कि नहीं पूरा? तो इट इज फुल्ली कॉन्स्टेंट, यह सुनो, फुल्ली कॉन्स्टेंट।
So thermal stress will induce in this for fully constant case and it will be non-zero. होगा कि नहीं होगा? हाँ. तो पूरा 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 इसको रोका जाएगा. टोटल डेल्टा एल कितना होना चाहेगा? पहले में डेल्टा एल वन, दूसरे में एल टू, तीसरे में डेल्टा एल थ्री. तो टोटल इतना हो सकता था. ये सुनो, टोटल डेल्टा थर्मल इतना हो सकता था. आ गई लाइट आ गई. एक सेकेंड. अब सही चमक रहा होगा, है ना? बिजली गायब थी. चलिए, गर्मी में बैठे हुए थे हम. हाँ, फिर से सुनो. ये सीरीज ऑफ बार, तीन बार सीरीज में है. पूरे का डेल्टा टी इंक्रीज किया तो तीनों में थर्मल एक्सपेंशन होगा. तो टोटल थर्मल एक्सपेंशन इतना हो सकता था, इतना पॉसिबल था. बट पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट कर दिया गया, फुल्ली कंस्ट्रेंट, फुल्ली कंस्ट्रेंट. ये सुन, अभी इन क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन व्हाट विल हैपन, इन द क्वेश्चन व्हाट विल हैपन, आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ये सारा वैल्यू दिया जाएगा, ये सारा वैल्यू दिया जाएगा क्वेश्चन में. दिस ऑल वैल्यूज विल बी गिवन, एल वन, अल्फा वन, ई वन, डी वन, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. सो यू कैन सिंपली कैलकुलेट दिस वैल्यू ना. वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, वी विल फाइंड दिस वैल्यू, टोटल डेल्टा एल थर्मल कितना होगा. अभी देखो जरा, ये जो बार था, ये मान लो डेल्टा एल वन एल टू, तो जो डी पॉइंट है वो टोटल इलोंगेट करके कहाँ पहुंच जाता, वो टोटल इलोंगेट करके कहाँ पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता डी डैश पर. थोड़ा डेल्टा एल वन होता, थोड़ा डेल्टा एल टू होता, थोड़ा डेल्टा एल थ्री होता. तो अगर ये सपोर्ट ना होता तो ये जो डी है वो कहाँ पहुंच जाता, डी डैश पर पहुंच जाता. ये सुनो, यहाँ पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पहुंचा नहीं है. इसका मतलब इधर से फोर्स लगाया गया होगा, इधर से फोर्स लगाया होगा. किसने? इस सपोर्ट ने. इसको रोक के रखा ना यहाँ, मतलब सपोर्ट ने इस पे इधर फोर्स लगाया होगा. बहुत ही पॉइंट है ना, सपोर्ट ने इधर फोर्स लगाया होगा. तो वो फोर्स जो होगा वो किस तरीके से लगेगा? वो इस तरीके से लगेगा कि पहला जो बार है वो आपका ऐसे था, दूसरा ऐसे था और तीसरा ऐसे था. ये तीनों बार मिलकर कितना एक्सपेंड होकर कहाँ पहुँचना चाह रहे थे? यहाँ मान लो सपोर्ट था, टोटल डेल्टा एल थर्मल होकर ये यहाँ पहुँच जाएगा. तब आप इस पर फोर्स लगाएंगे ऐसे, इसको वापस ले आएंगे, इसको वापस ले आएंगे कहाँ पर? डी पॉइंट पर. भाई समझ में? वापस ले आए तो ऐसा लगेगा ये जो सपोर्ट है वो इसको यहाँ से यहाँ कंप्रेस करके ले आया ऐसे. तो इस पी की वजह से तीनों में मैकेनिकल डेल्टा एल होगा, मैकेनिकल डेल्टा एल होगा. ये सुनो, तो मैकेनिकल डेल्टा एल कितना होगा उसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ, डेल्टा टोटल, डेल्टा टोटल मैकेनिकल. तो वो होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री. कंप्रेशन होगा तीनों. डेल्टा वन क्या होगा? मैं लिखूंगा पी वन एल वन बाई ए वन ई वन. दूसरा कितना होगा? पी टू एल टू बाई ए टू ई टू होगा कि नहीं? और तीसरा होगा पी थ्री एल थ्री बाई ए थ्री ई थ्री. पी एल बाई ए इतना होगा. और हमें पता है बार सिन सीरीज कर चुके हैं ना, मैकेनिकल लोड वाला बार सिन सीरीज होगा तो तीनों पी बराबर होगा कि नहीं? तो पी वन इक्वल टू पी टू इक्वल टू पी थ्री इक्वल टू पी होगा कि नहीं? पहले ही सॉल्व कर चुके हैं. यस और नो? तो पी को मैं बाहर ले सकता हूँ कि नहीं? बोलो, पी को मैं बाहर ले सकता हूँ कि नहीं?
बिल्कुल बाहर ले सकता हूँ, सो मेरा टोटल डेल्टा एल डेल्टा मैकेनिकल वाला हो जाएगा पी आउटसाइड एल वन बाई ए वन ई वन प्लस एल टू बाई ए टू ई टू प्लस एल थ्री बाई ए थ्री ई थ्री, ये होगा कि नहीं होगा? तो ये मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा बोल दूँ, ये वन है ये टू है तो ये थ्री हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। नाउ थर्मल टेम्परेचर की वजह से जितना डेल्टा एल इंक्रीज करना चाह रहा था मैकेनिकल फोर्स की वजह से उतना ही डिक्रीज कर गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा ना। सो पुट वन इक्वेशन इज इक्वल टू थ्री इक्वेशन, जितना थर्मल से फैलना चाह रहा था उतना ही फोर्स ने दबा दिया, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्रेशन, होगा कि नहीं होगा, चमका कि नहीं बोलो, चमका कि नहीं चमका बताओ, जवाब दो। वेरी गुड, तो आप डेल्टा एल थर्मल का वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, यू हैव ऑलरेडी फाइंड दिस वैल्यू हेयर, इसका वैल्यू मिल जाएगा, ये सारा कुछ दिया होगा आपको क्वेश्चन में, गिवेन होगा एवरीथिंग टेम्परेचर सब, इसको फाइंड कर लोगे और यहाँ से उठाकर इसका वैल्यू इसके बराबर रख दोगे तो पी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। सो योर पी विल बी इक्वल टू वॉट, पी विल बी इक्वल टू वॉट, टोटल डेल्टा एल थर्मल वाला अपॉन ए एल वन, एल वन अपॉन ए वन ई वन प्लस एल टू अपॉन ए टू ई टू प्लस एल थ्री अपॉन ए थ्री ई थ्री, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू इसके डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सो हेयर यू विल फाइंड दी पी। बस यही अपना ब्रह्म ज्ञान है, अगर सारे बार में लोड पता चल गया तो बाकी तो सब कुछ मालूम कर सकते हो। लोड पता चल गया तो ज़रा बताओ उसमें आप थर्मल स्ट्रेस पता कर लोगे कि नहीं कर लोगे, थर्मल स्ट्रेस पता कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस वाला भी फॉर्मूला यही होता था, प्रूफ किया था पिछले क्लास में। तो थर्मल स्ट्रेस इन फर्स्ट पार्ट विल बी पी वन बाई पी बाई ए वन, पी तो सब में सेम है, उसी तरह थर्मल स्ट्रेस इन सेकेंड बार विल बी पी बाई ए टू, थर्मल स्ट्रेस इन थर्ड पार्ट विल बी पी बाई ए थ्री, होगा कि नहीं होगा। तो तीनों में आप उसके बाद स्ट्रेस पता कर सकते हो, थर्मल स्ट्रेस कितना कितना आ रहा होगा। थर्मल स्ट्रेस अगर पता है तो ज़रा बताओ क्या आप तीनों बार में थर्मल स्ट्रेन पता कर लोगे कि नहीं कर लोगे, थर्मल स्ट्रेन पता कर लोगे कि नहीं कर लोगे। थर्मल स्ट्रेन आप पता कर सकते हैं कैसे, थर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ई वन, तो इससे निकल आएगा, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन पता हो जाएगा तीनों बार में कितना कितना आया, कितना कितना आया, तो थर्मल स्ट्रेस टू, थर्मल स्ट्रेन थ्री, थर्मल स्ट्रेस थ्री बाई थ्री, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना तो सबको चमक गया होगा, इतना तो सबको चमक गया होगा। अब कंसेप्चुअल बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना कान खोलकर, ध्यान से सुनना कान खोलकर, ये जो थर्मल स्ट्रेन होगा कौन सा होगा, कौन सा होगा, प्रिवेंटेड वाला होगा, क्योंकि सिर्फ प्रिवेंटेड वाले का रिलेशन होता है थर्मल स्ट्रेस से, होता है कि नहीं होता है, सिर्फ प्रिवेंटेड वाला होगा, सिर्फ प्रिवेंटेड वाला होगा, बात आई नहीं समझ में, बात आई नहीं समझ में। सो प्रिवेंटेड वाला थर्मल स्ट्रेन निकाला, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल
प्रिवेंटेड वाला अपॉन L1, इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो डेल्टा L प्रिवेंटेड वाला इन सेकंड पार्ट वो मिल जाएगा कि नहीं, इसका वैल्यू मिलेगा तो डेल्टा L प्रिवेंटेड वाला इन थर्ड मिल जाएगा कि नहीं। तो यहां से ये प्रिवेंटेड वाला वैल्यू पता कर सकते हो कि नहीं, ये सुनो ये सुनो। तो ये जो प्रिवेंटेड वाला है, प्रिवेंटेड वाला, उसका वैल्यू कुछ मिलेगा। मान लो इसका वैल्यू A1 मिल जाता है, इसका वैल्यू A2 मिल जाता है, mm में होगा, इसका वैल्यू A3 मिल जाता है। अब इसको कंपेयर करोगे किससे, डेल्टा L1 से, डेल्टा L1 से। सो आप डेल्टा L1 निकाल चुके होगे, जितना एक्सपेंड कर सकता था L अल्फा डेल्टा T से, है ना, वो वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो। तो उस इसका और उसका ये इतना हो सकता था और इतना रोक दिया गया, इतना रोक दिया गया प्रिवेंटेड, तो अलाउड वाला मिल जाएगा ना, अलाउड वाला, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा नहीं, तो डेल्टा L1 अलाउड वाला मिल जाएगा, अलाउड वाला। तो कितना होगा, डेल्टा L1 टोटल माइनस डेल्टा L1 प्रिवेंटेड वाला। तो जरा बताओ, जरा बताओ, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट की गहराइयों में उतर जाओ एकदम, अपने को भुला दो, पूरा दीन दुनिया भुला दो, कंसेप्ट की गहराइयों में खो जाओ एकदम। समंदर के अंदर जाकर मोती लेकर आएंगे हम लोग, ऐसा किसी बुक में नहीं मिलेगा फॉर गारंटेड, किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा फॉर गारंटेड, कहीं सुना ही नहीं होगा, डिस्कशन तो बाद की बात है। ये पॉइंट ए था, ये L1 था, तो इसमें मान लो डेल्टा L1 इतना इलोंगेट करना चाह रहा था, ठीक, बट इसमें अलाउड कितना हुआ, तो अलाउड इतना होगा, अलाउड वाला, और इतना होगा प्रिवेंटेड वाला। तो ये जो सेक्शन बी है वो जा तो यहां सकता था, बट ये इधर तक ही जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, बात समझ आई कि नहीं आई। उसी तरह ये जो सी सेक्शन है वो डी सेक्शन से, ये L3 है, तो इसका डेल्टा L3 मान लो इधर जा रहा था एक्सपेंड होकर, लेकिन उसमें अलाउड कितना है और प्रिवेंटेड कितना है वो आप पता करोगे डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस आएगा पहले में, वो मान लो डिफरेंस आया +2, मतलब बी इलोंगेट हो गया, और दूसरे में जो डिफरेंस आया वो नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन मैं पॉजिटिव ही माने ले रहा हूं। मान लो फाइनली जो डिफरेंस आया इन दोनों का वो +3 आया, मतलब ये वाला बार और ये वाला बार क्या हुए, दोनों एक्सपेंड हुए हैं। हो सकता था ये +5, लेकिन 3 रोक दिया गया, तो इसमें 2 हो पाया। ये हो सकता था मान लो 6, लेकिन 3 रोक दिया गया, ये 3 हो पाया एक्सपेंड। तो जरा बताओ, ये फाइनल, ये और ये तो फिक्स है ना, तो इन दोनों में जितना मिला के एक्सपेंशन हो गया है, क्या इस वाले में उतना कॉम्प्रेशन हुआ होगा कि नहीं, -5, ये सुनो। तो जो तगड़ा पड़ जाएगा, तो ये इनके अल्फा पे डिपेंड करेगा, ये इनके ई पे डिपेंड करेगा, डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा, डेल्टा टी तो सबका सेम है, कि फाइनली जो बी सेक्शन है वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, फाइनली जो सी सेक्शन है वो इधर जाएगा या इधर जाएगा।
देखो इन तीनों का ये ए तो फिक्स रहेगा, ये जो डी है ये फिक्स रहेगा, बट बी लेफ्ट या राइट जाएगा, सी लेफ्ट या राइट जाएगा, वो कितना जाएगा समझ सकते हो, वो फाइनल डिफरेंस के बराबर जाएगा। तो बहुत कंसेप्चुअल है, यहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, लोग यहीं दम तोड़ देते हैं, पीछे ही दम तोड़ देते हैं, यहीं दम तोड़ देते हैं लोग। बात समझ आई कि नहीं आई बोलो, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, यहां तक तो फिर भी समझ लेते हैं लोग, ठीक है, बट इसके आगे ना ये पूछा जाता है ना कोई बताता है। आई एम टेलिंग यू दी होल स्टोरी, ये आएगा तो इससे ये आएगा, तो इससे ये आएगा, तो इससे ये आएगा, उसके बाद आप अलग अलग उनका सब पर डिफरेंस निकालोगे। तो डिफरेंस कितना आएगा, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो बी सेक्शन इधर जाएगा, अगर डिफरेंस निगेटिव है तो बी सेक्शन इधर जाएगा, इसका डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो सी इधर जाएगा, क्योंकि इसका इलोंगेशन कब हो सकता है, जब सी इधर जाए, और इसका अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो सी इधर जाएगा, और इन दोनों का जो टोटल पॉजिटिव नेगेटिव होगा मिलाकर, वो तीसरे को मिला के जीरो होना चाहिए, बिकॉज बोथ एंड आर फिक्स एंड फिक्स एंड। बात चमकी कि नहीं चमकी बोलो, कमेंट में लिखो जय हिंद अगर ये कंसेप्ट समझ गए हो कि नहीं। अगर ये कंसेप्ट समझ गए हो तो जय हिंद लिखो फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा ये सोम का क्रैश कोर्स चलता है यूट्यूब पर, डिटेल्ड सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। वेरी गुड, सबको क्लियर है, शाबाश। ये बहुत गहरा कंसेप्ट है, इतना तो पूछता भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, IAS के एग्जाम में पूछता है, तो ये मैंने आपको IAS वाला टच करा दिया है, बट गेट और ESE का तो सिलेबस इससे काफी कम है, काफी कम है, ठीक है। तो फाइनली एक बार सुन लो इसको फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट है। कंफ्यूज हो गए, चलो एक बार कंफ्यूजन जरूरी है, इसका मतलब ध्यान दे रहे हो। सुनो फिर से पूरी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। सुनो जरा क्या चल रहा है टॉपिक, बार्स इन सीरीज थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तीन बार सीरीज में लगाए हो, तीनों का मटेरियल अलग है, एल्फा ई डी ये सब दिया होगा, ठीक है, तीनों मटेरियल तीनों बार का L1 L2 L3 दिया होगा आपको, ये दिया होगा, ओके, इको आ रहा है, ओके, आप रिफ्रेश कर लो एक बारी, ये दिया हुआ है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ये भी इलोंगेट करना चाहेगा, यहां पहुंचना चाहेगा, और ये भी इलोंगेट करना चाहेगा, तो ये यहां से मान लो यहां तक पहुंच जाएगा, और फिर ये वाला भी इलोंगेट करना चाहेगा, तो ये तीनों मिलकर मान लो इधर तक आ गए। तो कहानी क्या है, कहानी है कि जब ये तीनों का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सो ऑल दीज थ्री विल ट्राई टू कम अप टू दिस, ट्राई टू कम एट पॉइंट डी डैश लेट से, एट पॉइंट डी डैश लेट से यहां पहुंचना चाहेंगे, तो कितना मैक्सिमम डेल्टा एल हो सकता है तीनों में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, तो वो टोटल डेल्टा एल थर्मल होगा। तो पहले अपन इसका वैल्यू निकाल लें, तो वो क्या होगा, देखो टोटल डेल्टा एल थर्मल होगा, डेल्टा वन थर्मल टू थर्मल थ्री थर्मल जोड़ दो, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, तीनों जोड़ दिया, सारा वैल्यू दिया, इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, इतना इलोंगेट हो सकता था, बट ये इलोंगेट करने दिया जा रहा है क्या, नो नो, दिस इज फुल्ली प्रिवेंटेड केस, फुल्ली प्रिवेंटेड केस, पूरा का पूरा डेल्टा एल थर्मल रोक दिया जाएगा यहीं। तो कैसे रोका गया, मान लो सोच लो कि पहले ये यहां तक एक्सपेंड कर गया, जब ये सपोर्ट नहीं था, फिर एक ऐसे लेके आए बाहुबली को,
उसने पी लोड लेके इनको दबा के यहाँ पहुंचा दिया वापस, और बोला आप देखो ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएंगे, इधर एक दीवार बना दो, उसके बाद सपोर्ट लगा दिया। सब अगर सपोर्ट हटा दोगे ये फट से यहाँ फिर पहुंच जाएगा स्प्रिंग की तरह, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज कर रखा है। ठीक, तो मान लो अगर ये सपोर्ट नहीं है तो ये इंक्रीज करके यहाँ पहुंच जाएगा, फिर एक बाहुबली आएगा और वो इसको दबा के यहाँ खड़ा हो जाएगा। अब वो कब तक खड़ा रहेगा बेचारा, वो कहेगा हम तो जा रहे हैं, या दीवार लगा दो, दीवार लगा दी, फोर्स इधर लग रहा है। तो जब इधर फोर्स लग रहा है तो टोटल एफबीडी में इधर भी फोर्स लगेगा, तो पी 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 हर सेक्शन में पी होगा, वो तो जानते हो एफबीडी सब में पी फोर्स होगा। तो कितना डेल्टा एल हो सकता था वो टोटल आप कैलकुलेट कर लिया, इतना हो सकता था थर्मल की वजह से, थर्मल की वजह से इतना हो सकता था, और पी लोड ने इतना दबा दिया, तो पी लोड ने वो टोटल डेल्टा एल दबा दिया ना, और दबा के इधर दीवार बना दिया, बोले यहीं रहो शांति से, तुम्हारी दुनिया यहीं तक है, लिमिट में रहो बेटा, औकात में रहो। क्लियर है? तो एक सपोर्ट दीवार बना के खड़ा कर दिया, अब दीवार इसको कंटिन्यूस फोर्स लगाती रही, दीवार का काम ही यही है। तो इस पी फोर्स ने कितना दबाया होगा, तो वो मैकेनिकली आपने फोर्स एज्यूम किया है, एज्यूम किया है, तो मैकेनिकल में टोटल डेल्टा मैकेनिकल की वजह से कितना होगा, पहले में कुछ होगा कंप्रेशन, दूसरे में कुछ कंप्रेशन, तीसरे में कुछ कंप्रेशन, और तीनों को कंप्रेस करके उसी जगह ले आए। तो पहले में कंप्रेशन क्या होगा, पी एल वाई ए पी टू एल टू वाई, पी तीनों में सेम होगा, व्हेन बार्स आर इन सीरीज देन लोड विल बी सेम, पता है हमको लोड विल बी सेम, तो यहां पर P कॉमन आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको पता है कि जितना भाई साहब थर्मल ने इंक्रीज किया था उतना ही बाहुबली ने डिक्रीज किया है, सो टोटल डेल्टा L थर्मल विल बी इक्वल टू टोटल डेल्टा Y मैकेनिकल। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो आप पहले ही डेल्टा L थर्मल का, तो इक्वल टू दिस रख दोगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन ये पूरा टर्म, तो दिस अपॉन पूरा टर्म, तो P का वैल्यू आ जाएगा। चमका यहां तक के नहीं, बोलो 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 बोलो, तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। सो ये पी फोर्स आ जाएगा। अब पी फोर्स आ गया तो कल प्रूव किया था जो पी फोर्स होता है मैकेनिकल का, जो इंड्यूस होता है थर्मल स्ट्रेस की वजह से, उसको कैसे फाइंड करते हैं, थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो थर्मल स्ट्रेस से पी फोर्स कितना आएगा, ये पी फोर्स किसी ने लगाया थोड़ी था, वो तो अज्यूम किया था कि कोई बाहुबली आया लगा दिया उसने, ये तो इंड्यूस हो गया होगा मेंबर के अंदर, बिकॉज मेंबर एक्सपेंड करना चाह रहा है और दीवार ने रोक रखा है। तो यहाँ से पी निकाल चुके हो तो थर्मल स्ट्रेस वन मिल जाएगा, तो पहले बार में स्ट्रेस मिल जाएगी तुमको, उसी तरह दूसरे बार में स्ट्रेस मिल जाएगी तुमको, उसी तरह तीसरे बार में स्ट्रेस मिल जाएगी तुमको, तीनों स्ट्रेस मिल गई है ना। सो दिस इज द स्ट्रेसेस। अब स्ट्रेन की बात करें, जो कोई नहीं करता है वो अपन कर रहे हैं, पहले में स्ट्रेन कितना होगा, तो स्ट्रेस पता कर चुके हो बेटा, थर्मल स्ट्रेस पता कर चुके हो, अपॉन ईवन कर दो तो आपको थर्मल स्ट्रेन मिल जाएगा। लेकिन कौन सा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये ध्यान रखो, कौन सा मिलेगा, प्रिवेंटेड वाला मिलेगा, प्रिवेंटेड वाला, पूरा नहीं मिलता है, प्रिवेंटेड वाला मिलता है। ये भी सर यही दिक्कत हो रही, अरे बेटा चलो अभी बता रहा हूं, जितनों को समझ आ रहा है पहले उनको समझ लें दो। तो ये प्रिवेंटेड वाला मिलेगा, अब प्रिवेंटेड वाला मिलेगा तो प्रिवेंटेड वाले से डेल्टा एल प्रिवेंटेड कितना हुआ है उसका वैल्यू निकाल लोगे, तो प्रिवेंटेड वाला इक्वल टू क्या होगा,
डेल्टा एल प्रिवेंटेड अपॉन एल वन, ठीक है, तो प्रिवेंटेड वाला डेल्टा एल वन आपको मिल जाएगा, डेल्टा एल वन प्रिवेंटेड, डेल्टा एल वन प्रिवेंटेड आपको मिल गया, ठीक है। अब जरा बताओ, यही समझ लो, तुम भी समझ लो, मान लो डेल्टा एल वन थर्मल हो सकता था 5 mm अगर फ्री था, ठीक, और प्रिवेंटेड वाला आया मान लो 2 mm, प्रिवेंटेड वाला कितना आया 2 mm, तो अलाउड वाला कितना हो जाएगा, अलाउड वाला 3 mm हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अरे भैया, फ्री एक्सपेंशन इतना हो सकता था, रोका तुमने इतना है तो जाने दिया होगा 3 mm ना, ठीक है। तो अब देखो, पहला वाला जो बार है, पहला वाला जो बार है बी पॉइंट, वो 5 तक जा सकता था, 5 mm, लेकिन तुमने प्रिवेंट कर दिया 2-3 ही जाने दिया, तो ये 3 जाएगा आगे और 2 नहीं जाने दोगे, तो बी सेक्शन फाइनली यहां पहुंच जाएगा बी डैश पर। तो पहले बार में तुम्हें एक्सपेंशन दिखाई देगा, लेकिन पूरा एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि दूसरा बार इसे रोकेगा ना, तो इतना रोक दिया गया और इतना जाने दिया गया। इफ दिस अलाउड इज पॉजिटिव, अगर ये अलाउड वाला तुमको पॉजिटिव मिलता है, अब ये कब मिला पॉजिटिव, जब ये 5 है ये 2 है, दूसरा केस, इसीलिए तो ये किसी बुक में है नहीं, इसीलिए तो कोई बताता नहीं, क्योंकि बता ही नहीं पाएगा, इसीलिए तो हम सिखा रहे हैं। सुनो, अब दूसरा केस हम ले रहे हैं, मान लो हो सकता था 5, लेकिन प्रिवेंट कर दिया तुमने लेट से 8 mm, अगर ये प्रिवेंटेड वाले का वैल्यू आया 8 mm, ठीक, तो दिस माइनस दिस कितना हो गया 3, और यू कैन से दिस माइनस दिस 5 - 8 तो कितना हो गया -3 हो गया। -3 का मतलब अब की बार ये जो बी है वो इस तरफ जाएगा, इसमें डिक्रीज होगा इसकी लेंथ में 3 का, ठीक है, तो बी सेक्शन इधर जाएगा जब ये डिफरेंस पॉजिटिव हो, और बी सेक्शन इधर जाएगा जब ये डिफरेंस नेगेटिव हो। चमका कि नहीं चमका, क्लियर है? तो ये जो तुम्हारे सेक्शन ए और डी हैं, वो तो उसी पॉइंट पर रहेंगे, वो तो उसी पॉइंट पर रहेंगे क्योंकि वो दोनों फिक्स है, लेकिन बी और सी सेक्शन जो होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, बी और सी सेक्शन जो होगा वो मूव करेगा, वो डिपेंड करेगा किस बार का अल्फा ई ये सब तगड़ा है। तो जब थर्मल एक्सपेंशन करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे और दोनों तरफ फिक्स है, तो उसका जो ये सेक्शन है बी, वो इधर भी जा सकता है बेटा और इधर भी जा सकता है, जो सी सेक्शन है वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। मान लो सी इधर गया और बी इधर गया, ये केस मिला तुमको लेट से, तो फर्स्ट बार में क्या होगा, कंप्रेशन, ये इतना बचा, सेकंड बार में क्या, थर्ड बार में क्या होगा, कंप्रेशन, और सेकंड बार में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा कि नहीं, इसका लेंथ बढ़ गया L2 से बढ़ के इतना हो गया, मतलब इसका अल्फा तगड़ा पड़ रहा होगा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा होगा, और एरिया इस तरीके से लिया होगा, इसका ये टोटल जो बन रहा होगा मिक्सचर वो ज्यादा हो जा रहा होगा इन दोनों से, बात समझ आई, ये खुद एक्सपेंड कर जाएगा यहां तक और यहां तक, ठीक है, यहां तक एक्सपेंड कर जाएगा, इन दोनों को कंप्रेस कर देगा, बात समझ आई कि नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब ये एक्सपेंड कर जाए और ये वाला भी एक्सपेंड कर जाए, अकेला इसका कचूमर निकल जाए,
बी सेक्शन यहाँ पहुंच जाए और सी सेक्शन यहाँ पहुंच जाए, अकेले इसका कचूमर निकल जाए। तो मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा और इसका जो डिफरेंस आएगा और इसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस तीनों का मिला के जीरो होना चाहिए, तीनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए। ये जो प्रिवेंटेड आया और जो अलाउड आया, तो प्रिवेंटेड और अलाउड फॉर फर्स्ट इनका डिफरेंस, प्रिवेंटेड एंड अलाउड फॉर सेकंड इनका डिफरेंस, और तीसरे इनका डिफरेंस। इन ये तीनों डिफरेंस, ये अगर डिफरेंस मान लो प्लस वन है, ये डिफरेंस प्लस थ्री है, तो दूसरे का माइनस फोर होगा डिफरेंस। डिफरेंस शुड बी टोटल जीरो फॉर द पॉइंट ऑफ नॉट। चलो अगर अब भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई जानता भी नहीं है यहाँ तक, परेशान मत हो, कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, सो जनरली दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड। ओके, क्लियर हो गया सबको? तो ये हो गया अपना पहला केस, when bar will be in series। बेटा ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स जानते हो क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का क्या मतलब होता है? ओवरव्यू, कंप्लीट। फिर भी मैं कोशिश करता हूं जो भी टॉपिक कराता हूं काफी डेप्थ में कराता हूं आपको, ठीक है? सो इट विल हेल्प यू अलॉट, बट ऑल सब्जेक्ट आपको इन ऑल डिटेल अगर चाहिए हैं, तो सीधी सी बात है, देखो आई एम डूइंग जॉब हियर, दिस इज नॉट माय बिजनेस, आई एम ए एम्प्लॉय, आई एम गेटिंग सैलरी, सो वट एवर इज टोल्ड टू मी टू दैट, सो दैट आई कैन डू। जिस दिन मुझे रोक दिया जाएगा इट विल बी स्टॉप्ड, सो टॉपिक्स विल बी लाइक दिस, बट इवन देन आई ट्राई टू गिव यू द गुड कंसेप्ट। इफ यू वॉन्ट लर्न वेरी मच इन डिटेल ऑल द सब्जेक्ट, कम ऑन द प्लस, कम ऑन द प्लस। ओके, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ तो आपको अगर बाहर ऑफलाइन में, इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मुझे लेट से 60 घंटे मिलते थे, वो मैं यहाँ आराम से 100 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज़ को एक सर्वाइव करने के लिए चीज़ चाहिए रहती है। तो सिस्टम इस तरीके से है, सिस्टम इज ऑलवेज डे बाई डे वी आर मेकिंग द सिस्टम बेस्ट फॉर यू, बेस्ट फॉर यू। अपडेट चलता रहता है। सबसे बड़ा डिसीजन क्या हमने करवाया था, देखो जब मैं इधर आया था, इधर गेट और ईएससी अलग अलग था, सेपरेट था गेट एंड ईएससी। हम लोगों ने सजेस्ट किया कि सारे बच्चों दो दो सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे, गेट वाले बच्चे को अलग सब्सक्राइब करना पड़ता था, ईएससी वाले को अलग सब्सक्राइब करना पड़ता। हमने सपोर्ट किया, बाकी बहुत सारे बच्चों ने भी रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे फैकल्टी ने भी सपोर्ट किया, दोनों मर्ज कर दिया गया। पहले इसका अकेले फीस था 25,000, इसका फीस था 40,000, ठीक है, ये फीस था स्टार्टिंग। अभी देखो दोनों मर्ज करके कितना फीस है बताओ, एक साल का सिर्फ 22,000 बचा कि नहीं बचा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए डे बाय डे वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट इन मिनिमम फीस। इससे कम और क्या होगा बताओ यार, इससे ज़्यादा को तो 10th क्लास का ट्यूशन होता है साल का, होता है कि नहीं? 10th क्लास वाला भी कम से कम 3,000 रुपये महीने दे देता है, 36,000 रुपये महीने दे देता है अगर तीन सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है। तो 10th क्लास के बच्चे से भी कम है, आप सोचो इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट 10-12 बार पढ़ लो, तो इतना सस्ता है ये। ये क्यों हो पाया? टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कोई क्लासरूम का रेंट नहीं देना, कुछ नहीं, आप घर पे बैठे, हम भी घर पे बैठे, कोई आपको रूम रेंट पे नहीं लेना, कहीं बड़े शहर में नहीं जाना, कहीं भाग दौड़ सब खत्म। तो देखा जाए ये बहुत ही सस्ता है, इट इज़ ना के बराबर है ये।
इससे कम नहीं किया जा सकता भाई, ना मेरे हाथ में है सो मैं उतना नहीं कर सकता हूँ। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर एक्स्ट्रा डिस्काउंट या ये, देखो मेरे हाथ में ये सब चीज़ें नहीं है। आई एम अ टीचर, आई कैन टीच यू बेस्ट, आप मेरे पास आओ पढ़ने, आई विल गिव माई बेस्ट। एक घंटे समझ नहीं आया मैं डेढ़ घंटे पढ़ाऊंगा, दैट आई कैन डू। ओके चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस लेते हैं, केस टू लेते हैं, जिसमें हम लोग करेंगे बार्स इन पैरेलल। ठीक है, तो बार्स इन पैरेलल स्टार्ट करते हैं। बार्स इन पैरेलल, ठीक है। अब कोई बच्चे बोल रहे हैं सर कंपोजिट नहीं कराया, यार ये कंपोजिट ही है, इन्हीं को कंपोजिट बोलते हैं, कंपोजिट कोई नई बला नहीं है, इन्हीं को कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो मान लो दो बार है, ठीक, एक बार वन है एक बार टू है, ऐसे साइड बाय साइड इनको आपने रखा हुआ है। ये बार वन है और ये बार टू ले लिया आपने, लाइक दिस, दिस इज बार टू, उसका मटेरियल दूसरा है। ठीक, करेंगे क्या आप इधर इन पे एक प्लेट लगा देंगे, इसे वन प्लेट इज अटैच्ड विद देम एंड दे आर नॉट वेल्डेड हेयर, यहाँ फिक्स नहीं है, दे आर नॉट फिक्स हेयर, ओके नॉट फिक्स, इधर फिक्स है, फिक्स इधर फिक्स नहीं है, इधर फिक्स है। अभी देखो इनिशियल लेंथ दोनों का सेम है, लेट्स से दिस इज बार वन, तो इसका एरिया ए वन होगा, यंग्स मॉडुलस ई वन होगा, अल्फा वन होगा। इसका ये बार टू है, इसका एरिया ए टू होगा, यंग्स मॉडुलस टू होगा और अल्फा टू होगा। ओके, एंड वी आर अज्यूमिंग अल्फा वन इज मोर देन अल्फा टू। भाई कोई दो मेटल, दो मटेरियल आपने लगाए हैं एक साथ, एक का अल्फा ज्यादा होगा एक का कम होगा, सीधी सी बात है। तो मान लिया अल्फा वन ज्यादा है, अल्फा वन ज्यादा, ध्यान से समझना, बहुत गहरा कंसेप्ट है ये, दिस इज वेरी वेरी गुड कंसेप्ट, ध्यान से समझो इसको। यहां पर देखो अल्फा वन ज्यादा है, अल्फा टू कम है, ठीक। तो पहला वाला जो बार होगा वो अगर फ्री एक्सपेंड करेगा तो यहां पहुंच जाएगा, ठीक। दूसरा वाला एक्सपेंड करेगा तो वो यहां पहुंचेगा कहीं, क्योंकि इनिशियल लेंथ तो बराबर है ना, इनिशियल लेंथ तो बराबर है ना। तो पहले की थर्मल क्या होगी, एल थर्मल वन, एल अल्फा वन डेल्टा टी, डेल्टा टी सेम है, वी आर रेजिंग सेम डेल्टा टी फॉर बोथ, डेल्टा टी सेम है, तो डेल्टा एल थर्मल ऑफ टू एल अल्फा टू डेल्टा टू। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा थर्मल ऑफ वन will be more than delta L thermal of 2, होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो डेल्टा 1 थर्मल कहां तक पहुंचेगा, अगर ये फ्री होता तो, अगर फ्री होता तो यहां पहुंचता, ठीक है। डेल्टा L थर्मल 1 और दूसरा कहां पहुंचता, यहां पहुंचता डेल्टा एल थर्मल टू। बट दीज आर कनेक्टेड विद दिस प्लेट, दिस इज ए रिजिड प्लेट, दिस इज ए रिजिड प्लेट, तो प्लेट की वजह से क्या होगा कि जो ज्यादा भागना चाह रहा था वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, और जो पीछे रह जा रहा था वो थोड़ा ज्यादा भाग लेगा। जैसे एक आदमी तेज दौड़ता है, एक आदमी धीरे दौड़ता है, दोनों को
एक साथ बांध दो दोनों का हाथ, हथकड़ी लगा दो, दोनों में हथकड़ी लगा दो। कभी कभी मूवी में होता है, दो हीरो हैं, पुलिस ने पकड़ लिया है, हथकड़ी लगा दी है, एक बेचारा सैफ अली खान है, धीरे दौड़ पाता है, एक अक्षय कुमार है, तेज दौड़ रहा है, क्या होगा? ये पहला वाला यहां पहुंच जाता, लेकिन प्लेट ने इसको यहां रोक दिया, प्लेट ने इसको यहां रोक दिया, क्योंकि प्लेट उससे कनेक्टेड है, प्लेट उससे कनेक्टेड है। और दूसरा वाला यहां रह जा रहा था, लेकिन प्लेट ने उसको खींच दिया, तो दोनों में फाइनल एक्सपेंशन तो सेम होगा। यहां प्लेट होगा, तो प्लेट का एफबीडी क्या होगा, देखो प्लेट का एफबीडी क्या होगा, देखो प्लेट ने इसको दबाया है, तो प्लेट इस पर पी फोर्स नीचे लगाएगा, तो ये उतना ही प्लेट पर ऊपर लगाएगा, और प्लेट ने इसको खींचा है, तो प्लेट इसको ऊपर लगाएगा पी, और इस पर नीचे लगाएगा ऐसे। तो प्लेट को देखो, प्लेट इज इन रेस्ट, पी ऊपर पी नीचे, सो प्लेट इक्विलिब्रियम में हो गया, प्लेट इक्विलिब्रियम में हो गया। बात आई समझ में कि नहीं? यस सुनो, बोलिए, बोलो। आप लोग एकदम ना वो बन जाते हैं हाई कोर्ट के वकील, एकदम ये सबूत पेश करना, और है ना बेटा, हर फैकल्टी की टर्म्स कंडीशन अलग होती है, ठीक है, हर फैकल्टी का टर्म्स कंडीशन अलग होता है, सारे फैकल्टी का टर्म्स कंडीशन, कोई और क्या कर रहा है आई डोंट नो, डोंट कंपेयर मी विद समवन अदर, डोंट कंपेयर समवन अदर विद मी, सबका टर्म्स कंडीशन अलग है, समझ गए बात को, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबका जॉब प्रोफाइल अलग है, तो ये कॉमन सेंस की बात है, उसमें ना खुरच पेंच मत करने लग जाया करो। अगर आपको ओवरऑल कुछ बोल दिया जाता है, उसको समझा करो ज़रा बात को। सारी चीज़ें यहाँ खोल के बता सकते हैं क्या? नहीं ना। सो जस्ट इफ यू वॉन्ट टू बिलीव, श्योर विश, वट एवर आई कैन गिव यू बेस्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू बेस्ट, दैट्स इट। उसमें ये गवाह सबूत ये सब पेश करने मत लग जाया करो, किसी को तुमको किसी का कुछ नहीं पता है। ओके, कम हियर। तो क्या बोल रहा था मैं, भुला दिया। हाँ देखो, प्लेट पर, प्लेट ने इसको रोक दिया ना, ये यहां तक जा सकता था, प्लेट ने इसको यहीं रोक दिया, प्लेट ने इसे कंप्रेस किया हो, नीचे फोर्स लगाया हो, और इसको प्लेट यहीं रुक रहा था बेचारा, इसको कहा नहीं बेटा और दौड़ इसको दौड़ाते दौड़ाते यहां ले आया प्लेट, इसको खींच लिया, इसका इक्विवेलेंट अपोजिट इधर लगेगा, इसका इक्विवेलेंट अपोजिट इधर मिलेगा, और डीप कंसेप्ट बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा तुमको ये बुक्स में, कहीं बना दिख जाए तो बताना। सो हियर यू कैन सी दिस प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, तो यहां देखो ये है डेल्टा थर्मल वन और ये है मैकेनिकल वन, तो मैकेनिकली पी फोर्स ने इसको दबा दिया और इसको मैकेनिकली पी फोर्स ने खींच लिया कि नहीं। अब देखो इसका थर्मल वन माइनस इसका थर्मल टू, ये इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस ये डिफरेंस के बराबर हो गया, दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, होगा कि नहीं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इज डेल्टा थर्मल वन माइनस, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, तो डेल्टा एल वन थर्मल एल टू थर्मल निकाल सकते हो, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एल थर्मल का डिफरेंस माइनस डेल्टा एल थर्मल टू, तो दिस विल बी इक्वल टू एल डेल्टा टी कॉमन अल्फा वन माइनस अल्फा टी, होगा कि नहीं होगा, so this will be equal to what, this will be equal to what, this will be equal to your
मैकेनिकल वाला डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा कि नहीं। तो मैकेनिकल वाला क्या होगा, पी दोनों में फोर्स सेम है, पी वन एल वन ओवर ए वन ई वन, पी टू एल टू ओवर ए टू ई टू, पी सेम है एल सेम है ए ए टू ई टू होगा कि नहीं होगा। तो यह आ जाएगा तुम्हारा एल अल्फा डेल्टा टी, इधर पी कॉमन ले लो, पी कॉमन ले लो तो एल अल्फा अपॉन एल वन अपॉन ए वन ई वन प्लस एल टू अपॉन ए टू ई टू, ठीक है। तो क्या चमका बताओ, इतना गहरा कंसेप्ट इतने मजे मजे में सीख गए, यस और नो, फोर्स का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। यही हमारा रहता है ब्रह्म ज्ञान, फोर्स आ जाए तो आप तो कुछ भी निकाल देंगे ना, आप तो कुछ भी फाइंड कर देंगे। स्ट्रेस इन फर्स्ट, तो थर्मल स्ट्रेस इन वन क्या होगा, पी वन बाई ए वन, थर्मल स्ट्रेस इन टू टू कितना होगा, पी टू बाई ए टू, निकाल देंगे कि नहीं। ये रिलेशन पहले ही प्रूफ कर चुके हैं अपन, जो फोर्स इंड्यूस होता है थर्मल की वजह से वो ऐसे स्ट्रेस से कनेक्टेड रहता है। पता ही समझ में नहीं, अब कुछ भी फाइंड कर लो इससे, कुछ भी फाइंड कर लो। अब आपको पूछ दे थर्मल स्ट्रेन बताओ, थर्मल स्ट्रेन बताओ कौन सा, थर्मल स्ट्रेन फर्स्ट बार में वो प्रिवेंटेड वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएगा कितना, थर्मल स्ट्रेस वन अपॉन ई वन, यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह स्ट्रेन पूछ दे थर्मल वाला प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड वाला निकलता है ये ध्यान रखना, प्रिवेंटेड वाला निकलता है ये ध्यान रखना। या जाए चमका कि नहीं चमका, चमका ना, चमक गया, बहुत जोर से चमक गया, वेरी गुड। फोर्स विल बी सेम इन ऑल मेंबर, तो फोर्स आपको बताए तो है, फोर्स सेम नहीं होगा तो ये प्लेट इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या बताओ। तुम P1 P2 मान लो, P1 P2 मान लो, लो P1 P2 मान लो, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस प्लेट P1 शुड बी इक्वल टू P2, अब खुश, नाउ हैप्पी, बोलो हैप्पी हो गए, तो नाचो डीजे लगा के वेरी गुड। आज आप लोगों ने डाउट भी अच्छे अच्छे पूछे हैं और मैंने कोशिश करी है अच्छा अच्छा पढ़ाने की, तो हम लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, दुनिया को अच्छा बनाते रहेंगे, ठीक है। सो ये दोनों केस हो गए, कल हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग प्रॉब्लम्स ऑन थर्मल स्ट्रेस, ओके, प्रॉब्लम्स ऑन थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो अभी भी आप वो मैं फिर बता दे रहा हूँ, YouTube हैं और जो फ्री क्लासेस हैं इनमें आपको यू आर गेटिंग ओनली क्रैश कोर्सेस एंड यहाँ अगर क्या कहते हैं 25% टाइम इज, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, आई डोंट नो अबाउट अदर फैकल्टीज, ओके, उनका क्या वो है, 25% टाइम इज गिवेन एंड इन दी प्लस क्लासेस पेड क्लासेस 75% टाइम इज गिवेन, सो यू कैन जॉइन हियर, जॉइन मी, जॉइन द लीग, ओके। सो दिस इज माय प्रोफाइल, यू कैन सी दिस प्रोफाइल, ओके। एंड मशीन डिज़ाइन कल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस पर, प्लस पर, तो मशीन डिज़ाइन यहाँ स्टार्ट होगा 1 जुलाई को, डेली इसकी क्लास चलेगी 1, 2, 3, और गेट और ESC दोनों का सिलेबस कंप्लीट होगा, लगभग 90 से भी ज़्यादा घंटे हैं, मेरे ख्याल से 92 है टोटल, लेकिन मुझे जो याद आ रहा है वो मतलब 85-90 ऐसे कुछ घंटे हैं, काफ़ी अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ मैं इसको।
तो यहाँ आप ये कर सकते हैं, जब भी सब्सक्राइब करेंगे कोड याद रखें MR Live, ठीक है। और सिंगल सिलेबस है, सारे आपके जो PSU होते हैं वो इसी सिलेबस से कंप्लीट हो जाते हैं, इसी में बस 10-12-15% का फ़र्क रहता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। GATSE का सिलेबस ही स्टैंडर्ड है, आप एक बार अगर करते हैं पूरे तन मन धन से, सो यू विल गेट दिस थिंग। देखो फ्री की एक चीज़ ये भी होती है, इन फ्री स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर एंड इन फ्री फैकल्टीज आर ऑल्सो नॉट सिंसियर, ठीक है। देखो जब जो फ्री जहाँ लग जाता है ना फ्री, तो ना पढ़ाने वाले का पूरी तरह मन लगेगा वहाँ पर, ओके, ना पढ़ने वाले का पूरी तरह मन लगेगा। मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, दिस इज ह्यूमन नेचर, ओके। जैसे आप समझ सकते हो जो एक सरकारी स्कूल की पढ़ाई और एक वो वाली बात आ जाती है। हाँ, हम सब चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो, बड़ी अच्छी बात है, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड दी क्वालिटी एजुकेशन। तो धीरे धीरे देखो हो क्या रहा है, जा हम उसी तरफ रहे हैं। पहले जो फीस 1 लाख लगती थी वो 40,000 पहुंची, अब 40,000 से फीस आपकी 22,000 बची। जितने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ ऑनलाइन में पढ़ते जाएंगे उतना फीस मेरे ख्याल से रिड्यूस होगी, या कुछ नया कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाया जाएगा आप लोगों के लिए डे बाई डे। हेयर वी ट्राई टू गिव यू बेस्ट इन मिनिमम फी, ठीक है। सो दिस इज सो जस्ट लाइक मी, मैनी अदर टॉप फैकल्टीज आर ऑल्सो टीचिंग, यू कैन एक्सपीरियंस ऑल दी फैकल्टी। सो ऑन ईच यूट्यूब चैनल, आपको एक चीज और बता दूं, एक सेम यूट्यूब चैनल पर सारे फैकल्टी नहीं है, सेम यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, एक ही चैनल पर इतने सारे लोग कैसे पढ़ा पाएंगे, वो टाइम ही नहीं हो पाए। मैं मान लो मैं ही पढ़ाने लग जाऊँ, 1 घंटा 1.5 घंटा तो मेरा चला जाता, मैं 1 घंटे की क्लास रखता हूँ लेकिन अमूमन 1.5 घंटा तक चली जाती है। अब सोचो यहाँ आपको गेट में कम से कम नहीं तो 50 से 100 गुड फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं टॉप 30 की भी बात करूँ, टॉप 30 फैकल्टी अगर 1-1 घंटा भी लेगी तो 24 घंटे में पूरा भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो एक चैनल नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं, तो आप यूट्यूब पर यहाँ वहाँ पूरा जाते रहेंगे, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आएगा ना तो आप फिर वो डिलेमा में हो जाएंगे। तो माई एडवाइस इज दिस, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, थोड़ा अपना सिंसियरिटी आप में भी आएगी, आप रहेंगे, ओके। चलो फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल से मशीन डिज़ाइन जो प्लस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके देन, बाय, गुड नाइट। हाँ, ऐप पर तो डेली रहती है मेरी क्लास, प्लस पे डेली चलती है क्लास। अभी 25 तारीख से तो 6-6, 7-7 घंटे की क्लास चल रही थी, और कल से मशीन डिज़ाइन स्टार्ट है तो शेड्यूल थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ओके 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 देन, सी यू टुमारो।